हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं तो अच्छे हुए, मस्त हुए, जागे हुए, स्वस्थ हुए। दोस्तों आज जब सुबह सुबह मैं आया तो यहाँ पर एक गिलहरी मरी हुई थी, तो आज उसका जो है अंतिम संस्कार कर देते हैं। मैं वैसे जब भी मेरे को कोई जानवर मिलता है या पशु पक्षी मिलता है रास्ते में पड़ा हुआ, उसे चोट लगी हो तो उसे मतलब साइड रख देता हूँ, पानी पिला देता हूँ। और कोई अगर जैसे कोई मर गया हो तो उसे मैं कहीं ले जाता हूँ और उसे दफना देता हूँ। पहले बहुत बार कर चुका हूँ और आज भी जब मैं यहाँ पहुँचा लाइब्रेरी की सीढ़ियों पे तो एक गिलहरी है, पता नहीं चाहे बिल्ली ने एक मारा होगा क्योंकि यहाँ से उसकी चोट लगी है। तो उसके आज अंतिम संस्कार करता हूँ। अगर आपके दिल में भी नहीं गिरते तो फिर वीडियो पे बने रहे और वीडियो के माध्यम से आप उसके अंतिम संस्कार में हिस्सा लें। चलो दोस्तों चलते हैं, उसके ले जाते हैं दफनाने के लिए। ये देखो यहाँ पर गिलहरी, देखो किसने चोट लगाई है यहाँ पर, ये आप देखते हो, या बिल्ली ने या इस शीशे से लगी होगी, कोई पता नहीं है। पर लेकिन किसी ने सुबह सुबह इधर और अम्मी से ले जा रहे हैं आज दफनाने के लिए। दोस्तों आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि अभी रास्ते में कुछ पशु पक्षी जो भी मिले उसे साइड में रख देना, कहीं सड़क में अगर कोई किसी की चोट लगी और ऐसे हो तो उसे दफनाने ले जरूर ले जाना। अम्मी से आज दफनाने ले जा रहे हैं, आप वीडियो में बने रहिए। और अब हम ले जा रहे हैं दफनाने के लिए, दफना से आएंगे। ये मैं और सार्थक जा रहे हैं, अभी तक से दफना के आते हैं और हम लाइब्रेरी से बाहर निकल गए हैं। अब आगे जाएंगे जहाँ पर खाली जगह होगी वहाँ पर से दफनाएंगे। तो आप वीडियो पे बने रहिए और आप देखते रहिए। और हम उस जगह पहुँच गए, एक बार यहाँ पर हमने कबूतर को दफनाया था, तो इस बार डंडा उठाने यहाँ से। और ये सार्थक भाई ये गड्ढा खोद रहे हैं यहाँ पर। बस बहुत है, कैसे डालोगे, कैसे डालोगे, इतना रिकवर रखी हुई। जो गिलहरी को यहाँ दफना दिया है, भगवान इसे आत्मा को शांति दे। सभी कहीं भी कुछ
पशु पक्षी मिले हो सड़क सड़क में, तो उसे किनारे कर दिया करो, जैसे चोट लगी हो और अगर कोई मर गया तो उसे एक जगह ले जाकर उसे दफना दिया करो।